हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो गाइस आज तारीख हो चुकी है 7 दिसंबर 2021 और हर रोज़ की तरह हमारे सामने आज भी आईपीएल 2022 के रिगार्डिंग, आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन की डेट, इसके साथ ही रिप्लेसमेंट प्लेयर्स के रिगार्डिंग भी 8 काफ़ी बड़ी और इंपॉर्टेंट अपडेट्स निकल कर आई हैं, जो कि अगर आप लोग क्रिकेट और आईपीएल के बड़े फैंस हैं तो फिर आप लोगों को बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी चाहिए। लेकिन गाइस, इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, अगर आप लोग चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए, जिससे हमारे वीडियोस के अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो गाइस, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे आज के दिन की सबसे पहली अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। और ये अपडेट निकल कर आ रही है न्यूट्रल वेन्यूज को लेकर। आईपीएल 2022 में हमें दो नई टीमों का इंक्लूजन देखने को मिलने वाला है, जिसका मतलब है अब आप लोगों को 10 आईपीएल टीमें देखने को मिलेंगी। तो ऑब्वियस सी बात है, ये डाउट बहुत लोगों के दिमाग में चल रहा है कि क्या जो दो नई आईपीएल टीमें हमें देखने को मिलेंगी उनको उनके रिस्पेक्टिव होम ग्राउंड्स दिए जाएंगे या फिर नहीं, जैसे सभी आईपीएल टीमें जो 8 में हैं वो अपने अपने होम ग्राउंड में आधे मैचेस खेलती हैं और आधे मुकाबले वो दूसरी टीमों के यानी कि अवे मुकाबलों में खेलती हैं। तो ऐसे में दो नई आईपीएल टीमें जब आ जाएंगी तो उसके बावजूद भी न्यूट्रल वेन्यू का कॉन्सेप्ट हमारे सामने निकल कर आ रहा है, जिसके दो मतलब हो सकते हैं कि या तो हर एक टीम के होम मैचेस काट दिए जाएंगे और न्यूट्रल वेन्यूज पर कुछ मैचेस करवाए जाएंगे, या फिर इसका यह भी मतलब हो सकता है कि दो नई आईपीएल टीमों को उनके होम पर बाकी टीमों के कंपैरिजन में कम मैचेस खेलने को दिए जाएं। आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं हमारे आज के दिन की दूसरी बड़ी अपडेट के बारे में, जो कि निकल कर आ रही है मेगा ऑक्शन के रिगार्डिंग, जहां पर मेगा ऑक्शन की तारीख में हमें फेरबदल जो देखने को मिलने वाला था वो अब चीज फाइनलाइज हो चुकी है, जहां पर बीसीसीआई ने कंफर्म कर दिया है कि प्री ऑक्शन की डेट को बढ़ाकर 31 दिसंबर तक कर दिया गया है, क्योंकि दोनों ही आईपीएल टीमों को और ज्यादा टाइम चाहिए था और इसकी वजह से एक हफ्ते का टाइम उनको और दिया गया है। अब 31 दिसंबर तक दोनों ही आईपीएल टीमें अपने पहले 6 प्रीपिक प्लेयर्स को चूज कर पाएंगी और उसके बाद मेगा ऑक्शन आप लोगों को जनवरी के फर्स्ट वीक में यानी कि 7 जनवरी या फिर उसके बात कंडक्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। तीसरी बड़ी अपडेट के बारे में बात करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा भारत की सबसे बड़ी ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म रेडी अन्ना के बारे में, जहां आप लोग क्रिकेट और फुटबॉल और 160 प्लस गेम खेलकर लाखों करोड़ रुपए जीत सकते हैं। ये 85 ब्रांचेस पर ऑपरेट होती है, इसके साथ ही आपको 24/7 विड्रॉल भी मिलता है। यहां पर रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंटेशन की भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो अभी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप लोग इनको टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर जरूर कॉन्टैक्ट कीजिए। तीसरी बड़ी अपडेट हमारे सामने निकल कर आ रही है 5 रिप्लेसमेंट प्लेयर्स के रिगार्डिंग, जहां पर सभी आईपीएल टीमें अपने मेगा ऑक्शन की तैयारियां तो कर ही रही हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी टीमें हैं जिनके सामने रिप्लेसमेंट प्लेयर्स को लेकर काफ़ी सारी दिक्कतें निकल कर सामने आ रही हैं, जैसे कि इनके जो रिटेन्ड और रिलीज प्लेयर्स की लिस्ट है वो तो अलग से इशू है ही, लेकिन इन टीमों से कुछ प्लेयर वैसे भी इनको छोड़कर जा चुके हैं, जैसे कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम से एबी डिविलियर्स छोड़कर जा चुके हैं और उनके साथ ही युजवेंद्र चहल जैसा प्लेयर भी इनकी टीम से बाहर हुआ था। इसी तरीके से सीएसके की टीम से भी फाफ डू प्लेसी, उनके साथ ही दीपक चहर, शार्दुल ठाकुर जैसे प्लेयर्स बाहर हो चुके हैं। तो सभी टीमों के इसी तरीके के मिलाकर बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको उनको रिप्लेसमेंट करनी है, जिनकी भरपाई उनको कंप्लीट करनी है। और ये टीमें कौन कौन से प्लेयर्स को कौन कौन से प्लेयर्स के बदले और कितने प्राइस टैग के अंदर रिप्लेस करने वाली हैं, इस चीज़ के रिगार्डिंग आपको हमारे चैनल के ऊपर वीडियो देखने को मिलेगी। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रखिए, जिससे कि हम जैसे ही वो वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले आ जाएगी। बात करते हैं हमारे आज के दिन की चौथी बड़ी अपडेट के बारे में, जो कि निकल कर आ रही है एबी डिविलियर्स के रिगार्डिंग, जहां पर एबी डिविलियर्स आरसीबी की टीम को छोड़कर चले गए थे और करेंटली वो इन टॉक्स हैं आरसीबी की टीम के साथ। आरसीबी की टीम के आपको बैटिंग कोच बनते हुए नजर आ सकते हैं इन फ्यूचर, लेकिन अब आरसीबी की टीम को एबी डिविलियर्स की पोजीशन पर उनकी रिप्लेसमेंट करने की जरूरत है, यानी कि नंबर 4 या फिर नंबर 5 की पोजीशन पर आरसीबी को एक बैट्समैन की जरूरत है, जो कि एबी डिविलियर्स को एक लंबे टाइम तक एडजस्ट कर सके, यानी कि आरसीबी के हिसाब से जिस तरीके की क्रिकेट, जिस ब्रांड की क्रिकेट आरसीबी की टीम खेलती है उस हिसाब से वो वहां पर एडजस्ट होकर परफॉर्म कर सके। तो इस लिस्ट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम के रिगार्डिंग श्रेयस अय्यर का नाम सबसे ऊपर निकल कर आ रहा है, जहां पर जितने भी न्यूज सोर्सेज हैं उन सभी ने यही क्लेम किया है कि आरसीबी की टीम श्रेयस अय्यर को ही टारगेट करने वाली है, क्योंकि उनके कैप्टनसी के भी परफेक्ट ऑप्शन हो सकते हैं और श्रेयस अय्यर पहले ही इस चीज़ को फाइनलाइज कर चुके हैं कि जो प्री ऑक्शन की प्रोसेस होने वाली है उसमें वो इंटरेस्टेड नहीं है, वो मेगा ऑक्शन में आना चाहते हैं और मेगा ऑक्शन में ही वो किसी टीम के द्वारा पिक किए जाएंगे, जिसका मतलब है कि आरसीबी की टीम और उनके साथ ही कोलकाता नाइट राइडर्स, इनके साथ ही पंजाब किंग्स जैसी टीमें भी उनको टारगेट करेंगी, लेकिन श्रेयस अय्यर नंबर 4 पर बैटिंग करते हैं क्योंकि वो नंबर 3 पर भी खेल सकते हैं। तो ऐसे में आरसीबी की टीम के मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, इसके साथ ही कैप्टन के तौर पर भी वो परफेक्ट ऑप्शन हो सकते हैं। कमेंट करके आप लोग बताइए कि आप लोग श्रेयस अय्यर को आरसीबी की टीम में देखना चाहते हैं या फिर नहीं। आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं हमारे आज के दिन की पांचवी बड़ी अपडेट के बारे में, जो कि निकल कर आ रही है भारतीय टीम के रिगार्डिंग, जहां पर भारत ने न्यूजीलैंड को हरा दिया था कल के मुकाबले में और भारत की टीम की विराट कोहली की कैप्टनसी के अंडर ये सबसे बड़ी मार्जिन वाली विक्ट्री थी, यानी कि इतने ज्यादा रन से भारतीय टीम विराट कोहली की
कैप्टनसी में आज तक कभी भी नहीं जीती, और इस जीत के साथ ही भारतीय टीम ने एक नई ही अचीवमेंट दर्ज कर ली है, जहां पर अब भारतीय टीम नंबर वन पोजीशन पर आ चुकी है टेस्ट क्रिकेट में। और इस बात पर तो किसी को भी डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद इंग्लैंड में जाकर परफॉर्म किया था, उसके बाद ये चीज़ फाइनलाइज हो गई थी कि होम ग्राउंड पर अगर भारतीय टीम अपना बेस्ट दे देती है तो फिर ये नंबर वन टीम बन जाएगी। और अब ऐसा हो चुका है जहां पर टेस्ट रैंकिंग में भारतीय टीम नंबर वन की पोजीशन पर आ चुकी है। आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं हमारी आज के दिन की छठी बड़ी अपडेट के बारे में, जो कि निकल कर आ रही है दिल्ली कैपिटल्स की टीम की तरफ से। दिल्ली कैपिटल्स की टीम जिन्होंने अपने कप्तान श्रेयस अय्यर को मजबूरी में रिलीज कर दिया था, उसके बाद उनको श्रेयस अय्यर की रिप्लेसमेंट ढूंढनी थी। और अब दिल्ली कैपिटल्स की टीम के रिगार्डिंग एक इंपॉर्टेंट अपडेट निकल कर आ रही है कि दिल्ली कैपिटल्स की टीम एलेक्स हेल्स के कॉन्टैक्ट में चल रही है। एलेक्स हेल्स जो कि आईपीएल के मामले में थोड़े से अनफॉर्चुनेट रहे थे, क्योंकि लास्ट ईयर भी पूरी उम्मीद थी कि ऑक्शन में आप लोगों को सोल्ड होते हुए नजर आएंगे, लेकिन हमें ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया और एलेक्स हेल्स हमें अनसोल्ड रहते हुए नजर आए थे। और उसके बाद अब बताया जा रहा है कि दिल्ली कैपिटल्स की टीम एलेक्स हेल्स को अपनी टीम में देखना चाहती है, लेकिन वो उनको मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करवाना चाहते हैं, यानी कि या तो नंबर थ्री की पोजीशन पर या तो नंबर फोर की पोजीशन पर दिल्ली कैपिटल्स की टीम एलेक्स हेल्स को मेगा ऑक्शन में इस बार पिक करना चाहती है। आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं हमारे आज के दिन की सातवीं बड़ी अपडेट के बारे में, जो कि निकल कर आ रही है कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से, जहां पर कोलकाता नाइट राइडर्स के ओनर्स ने अब अपनी टीम की स्ट्रेटजी बताई है, जहां पर उन्होंने बताया कि कोलकाता नाइट राइडर्स ने जिन भी प्लेयर्स को रिटेन किया है अब ये उन्हीं के अराउंड अपनी टीम को बिल्ड करना चाहते हैं। लेकिन इसका ही बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम जो सक्सेसफुल टीम है जैसे कि चेन्नई सुपर किंग्स या फिर मुंबई इंडियंस, उनकी तरह एक ही टीम पर स्टिक करने वाली है। इन्होंने क्लियर कर दिया कि कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम आप लोगों को एक नए तरीके से अपनी टीम फॉर्म करते हुए नजर आएगी, यानी कि हर एक टीम एक अपनी तरीके की क्रिकेट हमें खेलती हुई नजर आती है। लेकिन इन्होंने कहा है कि कोलकाता नाइट राइडर्स आप लोगों को आईपीएल 2022 में एक नए अवतार में देखने को मिलेगी, क्योंकि उनका खेलने का अप्रोच अलग होगा और वो जिन प्लेयर्स को लेना चाहते हैं वो कन्वेंशनल मेथड से प्लेयर्स को इस बार पिक नहीं करेंगे। यानी कि पास्ट में कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम जिस स्ट्रेटजी के साथ अपनी टीम बिल्डअप करते हुए नजर आती थी, इस बार आप लोगों को कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम उन सभी स्ट्रेटजी से बिल्डअप करते हुए टीम को नजर नहीं आएगी। कुछ नया ये करने वाले मेगा ऑक्शन में, और उसके साथ ही एक नई तरीके की टीम ये अपनी फैंस के लिए लेकर आएंगे। कमेंट करके आप लोग बताइए कि आप लोग कोलकाता नाइट राइडर्स की नई तरीके की टीम देखने के लिए एक्साइटेड हो या फिर नहीं। आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं हमारी आज के दिन की आठवीं और आखिरी अपडेट के बारे में, जो कि निकल कर आ रही है राहुल त्रिपाठी की तरफ से, जहां पर राहुल त्रिपाठी ने डिसअपॉइंटमेंट जताई है कि कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने उनको रिटेन नहीं किया। राहुल त्रिपाठी ने कहा कि जिस तरीके की बैटिंग उन्होंने की है लास्ट के दो साल में, उसके बाद भी उनको रिटेन नहीं किया गया, तो उनको थोड़ा सा दुख इस बात का जरूर हुआ, क्योंकि उनको लग रहा था कि वो अपने करियर के बेस्ट फॉर्म में चल रहे हैं और उनको पूरी उम्मीद थी कि उनको रिटेन भी किया जाएगा। लेकिन आप इसको केकेआर की मजबूरी कह लो या फिर उनका जो एक तरीके से रिटेंशन की प्रोसेस में होता ही यही है कि आप लोग चाहकर भी प्लेयर्स को रिटेन नहीं कर पाते, उसकी वजह से राहुल त्रिपाठी को रिलीज कर दिया गया। हालांकि राहुल त्रिपाठी जिस तरीके की फॉर्म में चल रहे हैं और क्योंकि ये एक इंडियन प्लेयर भी हैं, तो उसके हिसाब से ये बात की तो पूरी उम्मीद है कि मेगा ऑक्शन में बहुत सारी टीमें इनको टारगेट करेंगी। इवन ये भी बताया जा रहा है कि सीएसके की टीम भी इनके कॉन्टैक्ट में बनी हुई है। तो इस तरीके से राहुल त्रिपाठी भले ही केकेआर की टीम से बाहर हो गए हों, लेकिन ऑब्वियसली वो किसी न किसी टीम में आपको जाते हुए नजर आएंगे। तो गाइज ये वीडियो यहीं तक थी, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको जरूर कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।